हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फ्लोरल टैरो रीडर और वेलकम जो नए लोग हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, थैंक यू सो मच जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट। सो अगर आप लोगों ने मेरे कम्युनिटी उसमें देखा होगा कि मैंने एक पोस्ट डाला था, सो यस ऑन पॉपुलर डिमांड आई एम मेकिंग वीडियो ऑन योर करेंट फीलिंग्स। आपका पार्टनर आपके बारे में क्या फील कर रहा है इस मोमेंट पे? ये टाइमलेस रीडिंग है तो पहली बात आप ये स्टार्टिंग सुन लो, टेक वट एवर इज रेजोनेटिंग विथ यू। जो मैसेजेस आपको लग रहा है कि हाँ ये मैसेज से मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ, वही मैसेज आप अपनी तरफ लिए, बाकी मैसेजेस आप छोड़ दीजिए। सेकेंडली आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, पर्सनल रीडिंग भी मैं ऑफर करती हूँ। आई डोंट नो व्हाई भी सांस की फूल रही है, काम डाउन फ्लोरल काम डाउन। सो तो ये जो वीडियो है वो जोडियक साइन से रिलेटेड नहीं है। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप इसको कंटिन्यू करो और देखो। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट योर इनर फीलिंग्स। आप अंदर से क्या फील कर रहे हैं, हम आपके पहले कार्ड्स निकालेंगे, फिर आपके पार्टनर के कार्ड्स निकालेंगे कि वो अंदर से क्या फील कर रहे हैं, वो क्या एक्शन लेंगे, एंड थर्डली मैं एक म्यूचुअल एनर्जी निकालूंगी कि फ्यूचर में क्या आउटकम हो सकता है आपके रिलेशनशिप का। समझ में आया? और मैं तीन डेक यूज़ करूंगी, तीनों को अराउंड 156 चांसेस दूंगी। 156 मतलब मैं रिवर्सल भी करूंगी। यस, पहले हम कार्ड्स शफल कर लेते हैं। थैंक यू सो मच जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट। रिवर्सल्स करेंगे, तैयार हो जाओ सच्चाई के लिए, सच का सामना करने के लिए। ओके गाइस, पहले हम आपके कार्ड शफल कर लें, ठीक है? पहले ये आपके कार्ड है, ये आपका डेक है। ओके, टाइम स्टैम्प मैं नीचे मेंशन कर दूंगी, आप उस अकॉर्डिंग देख लें। आपके कार्ड्स आर डन, आपके पार्टनर का कार्ड्स। सबको इक्वल चांस मिलेगा, डोंट यू वरी। हाउ यू गाइस आर डूइंग, थैंक यू सो मच जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, रियली रियली मींस अ लॉट, रियली मींस अ लॉट। एंड म्यूचुअल एनर्जी, आपके सामने कार्ड शफल हो रहे हैं। और देखिए ये वैसे वीडियो नहीं है कि मैं आपको दिलासा दूंगी, जो कार्ड जाएंगे मैं आपको वही बताऊंगी, ठीक है? सो बी रेडी फॉर द ट्रुथ। चलो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट योर एनर्जी। ओके, एक बार फिर से कट कर लेते हैं डेक। योर फीलिंग्स, किंग ऑफ वॉन्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइव ऑफ कप्स। ओके, योर फीलिंग्स, किंग ऑफ वॉन्स, एस ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ कप्स। राइट नाउ आप लोग ये सोच रहे हो कि लाइक यू हैव लव फॉर योर पार्टनर, यू हैव लव फॉर योर पार्टनर। आप अपने पार्टनर के लिए बहुत फील करते हैं, बहुत प्यार है, बहुत पैशन है, बहुत एनर्जी है, बट आप कुछ चीज़ों से ना बहुत टायर्ड हो चुके हो। लाइक यू आर टायर्ड ऑफ सम एनर्जी, इट्स लाइक कि आप इमोशनली टायर्ड हो गए हो। हुएवर इज वॉचिंग दिस वीडियो, आप लोग ना एक इमोशनली यू आर टायर्ड, इमोशनली लाइक यू आर गेटिंग डन, यू आर गेटिंग डन बाय द रिलेशनशिप। प्लस प्यार बहुत ज़्यादा है, बट देर इज सम थिंग्स दैट इज लाइक दैट इज कीपिंग यू सैड। आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई फाइव ऑफ कप्स, एंजल्स क्लैरिफाई मी द फाइव ऑफ कप्स, द वर्ल्ड। ओके, आई थिंक फॉर सम ऑफ यू कोई मेजर चेंजेस आने वाले लाइफ में, उसी वजह से आप बहुत परेशान हो रहे हो। मेजर चेंजेस, मेजर लाइफ चेंजेस, एंड दैट इज़ वाई यू आर गेटिंग अ लिटिल इमोशनली ओवरवेल्म्ड। बट यू हैव लव फॉर योर पार्टनर, यू वॉन्ट टू टेक फर्दर। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स थी पहले, बट आप लोग आप अपनी तरफ से पहल कर रहे हो। लेट मी ड्रिंक वाटर। आप अपनी तरफ से एक पहल कर रहे हो, आप कह रहे हो कि चलो जो हुआ पास्ट में छोड़ो,
आई विल मूव ऑन, आई विल टेक सम थिंग्स दैट विल मेक आर रिलेशनशिप बेटर. सो योर एनर्जीज आर परफेक्ट इन दिस केस. और आप थोड़ा इमोशनली ओवरवेल्म हो रहे हो, इमोशनली थोड़ा आप डाउन हो रहे हो, बिकॉज आपकी लाइफ में ना कुछ चेंजेस आने वाले हैं, एक लाइफ साइकिल कंप्लीट होने वाली है. लेट्स सी आपका पार्टनर आपके बारे में क्या फील करता है. करेंट फीलिंग्स तो आपके बारे में आपको खुद ही पता होगा, बट आपका पार्टनर क्या फील कर रहा है, व्हाट्स इन देयर माइंड, व्हाट्स व्हाट दे आर थिंकिंग, व्हाट दे आर डीलिंग इमोशनली एंड मेंटली. लेट मी कट द टेक वंस अगेन. थ्री ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, ऑल आर इन रिवर्स. द चैरियट, ओके, रिवर्सल्स आए हैं. आपका पार्टनर बहुत जिद्दी है, बहुत जिद्दी आपका पार्टनर. आई डोंट नो व्हाट देयर एनर्जी इज राइट नाउ, बट दे डोंट वांट टू टेक एक्शंस फॉर यू राइट नाउ. दे डोंट वांट टू टेक एनी एक्शन. सी द चैरियट, द चैरियट इज इन रिवर्स. तो जब चैरियट इन रिवर्स आता है तो इट मींस दैट, आई एम सो सॉरी, इट मीन्स दैट वो कोई ना चीज़ें एक्शन नहीं ले रहे हैं. दे आर नॉट टेकिंग एक्शन. लाइक यू वॉन्ट लव, यू वॉन्ट पैशन, बट दे आर नॉट टेकिंग एक्शन. दे आर स्टक समवेयर. प्लस फोर ऑफ वॉन्ट्स इन रिवर्सल बताता है कि राइट नाउ देयर प्लान्स आर नॉट टू मैरी यू. यू वॉन्ट टू मैरी, लाइक यू वॉन्ट टू टेक रिलेशनशिप फर्दर, बट राइट नाउ दे डोंट वॉन्ट टू मैरी. वो उनको अभी शादी नहीं करनी. फोर ऑफ वॉन्ट्स अगर अपराइट आता तो आई वुड हैव सेड कि दे वॉन्ट टू मैरी, बट राइट नाउ मैरिज कमिटमेंट इज नॉट इन देयर माइंड. फोर ऑफ पेंटिकल्स, येस, वेरी वेरी पॉजिटिव अबाउट यू. वो एक्शंस भी नहीं ले रहे हैं आपके लिए और आपको छोड़ भी नहीं रहे हैं, ओवर पॉजिटिव है. एंड विथ थ्री ऑफ कप्स, बहुत पार्टी करते हैं आपके पार्टनर. फॉर मेनी ऑफ यू आई फील दैट दे पार्टी अ लॉट. एक्सेसिव ड्रिंकिंग हो रही है, एक्सेसिव ड्रिंकिंग मतलब शराब पी रहे हैं बहुत दोस्तों के साथ. ठीक है, दोस्तों के साथ हैंग आउट करो, बट वो बहुत एक्सेसिव हो रहा है, बहुत एक्सेसिव हो रहा है. उस वजह से आपका रिलेशनशिप इफेक्ट हो रहा है. तो सिचुएशन अभी के लिए अच्छी नहीं है. एज ऑफ नाउ आपका पार्टनर ओवर पॉजिटिव है, मतलब वो खुद पार्टी कर रहे हैं. सी, वो खुद पार्टी कर रहे हैं. थ्री ऑफ कप्स एंड रिवर्स है, वो खुद खूब पार्टी कर रहे हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं, बट वो आपको इंजॉय करने नहीं दे रहे हैं. वो आपको कह रहे हैं कि तुम घर पे बैठो, तुम क्यों इंजॉय कर रहे हो, तुम क्यों बाहर जा रही हो, तुम क्यों इतना कर रहे हो. ही दे आर इंजॉइंग दे लाइफ, बट दे आर कंट्रोलिंग योर लाइफ. एंड चैरियट इन रिवर्स भी यही बताता है कि वो बहुत एक्सेसिव कंट्रोल कर रहे हैं आपको. दैट इज वाई आपका फाइव ऑफ कप्स हो रहा है. नाउ आई एम एबल टू अंडरस्टैंड दैट, कि जब एक्सेसिव कोई कंट्रोल करता है ना तो आप इमोशनली ओवरवेल्म हो जाते हो कि ये क्या तरीका, आप इतना क्यों कंट्रोल कर रहे हो मुझे. तो एक्सेसिव कंट्रोलिंग हो रही है आपके लिए. तो आपको एक्सेसिव कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि उनके माइंड में एक इनसिक्योरिटी है आपको लेके, जितना मुझे राइट नाउ जो मैसेज आ रहा है उनके माइंड में इनसिक्योरिटी है. दे आर फीलिंग कि आप बहुत अच्छे हो, यू आर हेयर और वो यहाँ हैं. तो उनके माइंड में इतनी इनसिक्योरिटी, उनको लगता है कि आप अगर उनके लाइफ से चले जाओगे ना तो बहुत हेल्पलेस हो जाएंगे, तो वो बहुत पावरलेस फील करेंगे. वो खुद अभी एक ऐसे स्टेज में है राइट नाउ, व्यूअर हूएवर इज वॉचिंग दिस वीडियो, दैट दे आर वेरी इनसिक्योर इमोशनली. फाइनेंशियली आई थिंक दे आर वेरी गुड, दे आर डूइंग गुड, बट इमोशनली दे आर इनसिक्योर. दे फील दैट my partner is good, is great, so that is why they are not letting you go. na aapko aapko paas aapke liye over possessive hai, aap se shaadi bhi nahi kar rahe hain, commitment bhi nahi kar rahe hain aur aapko ignore kar rahe hain. to current feelings to abhi badi toxic hain, utni toxic nahi but halki si toxic hai. but main aapko ek cheez bolungi viewer, ki aap apni jo energies hai wo barqarar rakhiye, aap apna pyar barqarar rakhiye. I'm not sugarcoating anything. You know that. You know me. जो मेरे videos देखते हैं वो जानते हैं कि मैं sugarcoat नहीं करती हूँ. But the मैं आपको एक suggestion दूंगी, अगर आप थोड़ा परेशान हो, थोड़ा overwhelmed हो रहे हो, थोड़ा चीज़ों को time दो,
जो प्यार करते हो बरकरार रखो। अगर वो आपको ओवर पोजेसिव कर रहे हैं, पहली बात तो किसी का हक नहीं होना चाहिए कि आपके ऊपर कंट्रोल करें। अगर आपको बाहर जाना है, आपको बाहर जाने दें। तो इंसान को ना, किसी दूसरे इंसान को ना अपने ऊपर इतना हावी मत होने दो, ठीक है? वो खुद इतना पार्टी कर रहे हैं, थ्री ऑफ कप्स इन रिवर्स, दे आर पार्टिंग अलॉट, दे आर ड्रिंकिंग अलॉट, हैंग ओवर हो रहा है उनको, बट वो आपको नहीं पार्टी करने दे रहे। यू नो, आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो, आप किंग ऑफ वॉन्स हो। अगर आप पार्टी करने भी जाओगे तो आपको पता है कि हाँ, मुझे लिमिट्स में ड्रिंक करना है, मुझे लिमिट्स में पार्टी करनी है। यू नो योर लिमिट्स बिकॉज इट्स किंग ऑफ वॉन्स। किंग ऑफ वॉन्स इज लाइक समवन हु हैज होल्ड ऑफ द इमोशंस, द चैरियट। दे आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड, दे आर नॉट कमिटिंग टू यू, शादी भी नहीं कर रहे हैं। तो अभी चीज़ों को देखो, परखो और फिर डिसीजन लो। म्यूचुअल आउटकम, म्यूचुअल एनर्जी एक देखते हैं और फ्यूचर आउटकम देखते हैं। हाई प्रीस्टेस, ये जंप हुआ है कार्ड बाय द वे, किंग ऑफ कप्स। सी, म्यूचुअल एनर्जी जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा रहेगा, जितना मुझे लग रहा है। व्यूअर, हुएवर इज वॉचिंग, पाइसीज, लिब्रा, लियो, एरीज, हुएवर इज वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई थिंक आपका पार्टनर कैंसर, कैंसर की पोजिशन उनके में हो सकती है, कैंसर हो सकती है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, म्यूचुअल एनर्जी हाई प्रीस्टेस का है। आपका जो लव है ना, वो बहुत डिवाइन है। आपके बीच में जब एनर्जीज एक्सचेंज होती हैं, वो बहुत डिवाइन लेवल पे होती हैं। तो प्यार है, प्यार दोनों को एक दूसरे के लिए, बट वो राइट नाउ भी बहुत इरिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं। आपको टेक फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, दिस इज द वर्ड, दे आर टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड। वो आपको ना हल्के में ले रहे हैं, बट हम, मुझे पता है और आपको पता है कि आप हल्के में लेने वाली चीज़ नहीं। और उन्हें भी एट द बैक ऑफ द माइंड पता है कि जो व्यूवर है वो किसी को भी अट्रैक्ट कर सकता है, किसी को भी मैनिफेस्ट कर सकता है। वो आपकी इंपॉर्टेंस जानेगा, बहुत जल्द जानेगा कि आप एक अच्छी सोल हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं। किंग ऑफ कप्स इज अ ग्रेट कार्ड। आई थिंक जो वो हरकतें कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं खूब ज़्यादा, आपको टेक फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, वो चीज़ें आई थिंक विद टाइम वो रियलाइज़ करेंगे, एंड किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आएगी। किंग ऑफ कप्स का मतलब फिर ये होगा व्यूअर, दैट वो आपके इमोशंस को समझेंगे, वो खुद इमोशनल होंगे। जैसे अगर आप रो रहे हो कभी, आप परेशान हो, तो आपको टाइम निकालेंगे, आपके साथ बैठेंगे, आपके साथ बात करेंगे, आपके साथ प्यार करेंगे। एंड किंग ऑफ कप्स ये भी बताता है कि वो ना चीज़ों को लाइटली नहीं लेंगे, वो चीज़ों को कहेंगे कि येस, दिस इज़ माई पार्टनर, आई लव हाउ, आई लव हिम, ही इज़ माइन, शी इज़ माइन, मैं कमिट करूँगा। तो जो फ्यूचर आउटकम है वो बहुत अच्छा है व्यूअर, इट इज़ वेरी गुड। अभी आप उतना टेंशन मत लो, ठीक है? क्योंकि जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा होने वाला है। हाई प्रीस्टेस एंड नाइन किंग ऑफ कप्स, आपकी एनर्जी किंग ऑफ वंस की, वो किंग ऑफ कप्स की है। और किंग ऑफ कप्स समझता है, वो आपकी भी फीलिंग्स को समझेगा, वो अपनी फीलिंग्स का भी ध्यान देगा। अगर वो शायद अगर करियर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, इधर उधर है वही वेरापंती कर रहे हैं, तो वो फिर अपने लिए भी एक्शंस लेंगे और आपके लिए भी एक्शंस लेंगे, एंड सून वो कमिट भी करेंगे आपको। एनर्जीज बहुत अच्छी है राइट ना, उनकी एनर्जी अच्छी नहीं है, उनको ना करने दो, वो जो कर रहे हैं ना उनको करने दो, उनको रियलाइजेशन बहुत जल्दी होने वाला है। आई थिंक कैंसर मंथ में, कैंसर मंथ कब पड़ता है मैं भूल गई, बट उनको चीज़ें रियलाइज़ बहुत जल्दी होंगी। सो डोंट यू वरी व्यूअर, थिंग्स विल हैपन। आप दोनों के बीच में बहुत अच्छा प्यार है, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। आई थिंक यू गाइस, मुझे लगता है पास्ट लाइफ में भी आप लोग पार्टनर हो सकते हो, दैट इज़ वाई आप लोग इस लाइफ में भी पार्टनर हो। तो एवरी थिंग विल गो वेल, दे विल अंडरस्टैंड यू, आपकी इमोशंस का कदर करेंगे। तो अभी आप टेंशन मत लो, ठीक है? आई होप यू लाइक माई रीडिंग, लाइक दिस वॉज द फर्स्ट टाइम आई एम मेकिंग सच वीडियोज, एंड आई मेड दिस वीडियो विद फुल ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड विद फुल पावर्स दैट आई हैव। सो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़। थैंक यू, बाय बाय।